नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है जयपुर के द्वारा हाल ही में अनेक प्रकार के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, तो उनके अब आगे एग्जाम होने हैं। और जिन भर्तियों का यहाँ पर एक से अधिक चरणों में एग्जाम लिया जाएगा, तो उनमें नॉर्मलाइजेशन जो है इसकी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो इसी को लेकर जो है यहाँ पर नोटिस जो है जारी हुआ है। और यह देख सकते हैं आप, यहाँ पर संशोधित विज्ञप्ति है। बोर्ड द्वारा निम्नलिखित भर्ती हेतु आगामी समय में परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। इन भर्तियों में बोर्ड द्वारा परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित करवाई जा सकती है। इसलिए बोर्ड द्वारा जिन भर्तियों में परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित करवाई जाएगी, उन भर्तियों में सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो कौन कौन सी यहाँ पर ये भर्तियाँ हैं, तो ये आप देख सकते हैं। भर्ती का नाम है पशु परिचर, एनिमल अटेंडेंट की सीधी भर्ती 2023, पदों की संख्या 5934 है। ये इनकी एडवर्टाइजमेंट डेट थी 7/2023। पर्यवेक्षक सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2024, 176 पद थे। और इसी प्रकार से यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 सीधी भर्ती 2024, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में 335 जो यहाँ पर इसकी जहाँ पदों की संख्या थी। इसके बाद पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2024, यहाँ पर जो पदों की संख्या है ये 202 थी। इसके बाद आ जाता है छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती 2024, अल्पसंख्यक मामलात विभाग 112 वैकेंसी थी। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024, यहाँ पर जो पदों की संख्या ये 209 है। इसके बाद आ जाता है लिपिक ग्रेड 2 में कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2024, यहाँ पर इनकी जो संख्या 4157 है। शिखर लिपिक निजी सहायक ग्रेड 2 संयुक्त सीधी भर्ती, यहाँ पर पदों की संख्या 474 है। और कनिष्ठ अनुदेशक के 4 ट्रेड पदों की तो सीधी भर्ती 2024, पदों की संख्या 679 है। कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न व्यवसाय 16 ट्रेड के पदों हेतु सीधी भर्ती, इनकी जो संख्या 1821 है। कुछ संशोधन सभी विज्ञापनों का एक भाग माना जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाली भर्तियां हैं जहां पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है, और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।